हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन पर इंस्ट्रक्शन जारी नहीं, नकल रोकने का इंतजाम भी नहीं। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए दोस्तों, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, ना ही नकल रोकने का कोई इंतज़ाम किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। सबसे पहले 21 जून से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके लिए पीयू ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुए हैं। इस बार भी अभी तक नकल रोकने के लिए निकलने का कोई इंतज़ाम होगा या नहीं, ये तय नहीं है। इस बारे में पीयू ने 2 मीटिंग की थी, लेकिन सभी फाइलें वीसी प्रोफेसर राजकुमार के पास रुकी हुई हैं। पूर्व DUI प्रोफेसर RK सिंगला, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर जगत भूषण, प्रिंसिपल डॉक्टर निशा भागवत कंप्यूटर सेंटर के और नए डायरेक्टर प्रोफेसर सुखविंदर सिंह आदि वाली कमेटी ने आगामी एग्जामिनेशन को डिस्कस करते हुए इसके लिए सभी जरूरी सुविधाओं पर बात की, जिसमें तय हुआ कि पिछली बार क्योंकि सीडन के कारण एग्ज़ाम आसानी से हो गए थे, इसलिए इस बार डिपार्टमेंट अपने स्तर पर इसको खरीद कर इसका उपयोग करेगा। पेपर के साथ एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी इमेज प्रोटेनिंग वाला सिस्टम उपयोग करने पर सहमति बनी थी। इमेज प्रोटोरिंग की मदद से स्लो इंटरनेट वाली समस्या वाले स्टूडेंट्स की निगरानी भी संभव हो जाएगी। अगर वह एक बार लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद सभी जानकारियां इंटरनेट डिस्टर्ब होने के बावजूद रिकॉर्ड होंगी और अपलोड हो जाएंगी। पीयू में एक सब्जेक्ट के 25,000 तक स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे में गूगल क्लासरूम जैसी सुविधाओं का उपयोग करना मुश्किल होगा। इसके बाद 3 कंपनियों की इस बारे में प्रेजेंटेशन ली गई। इमेज प्रोक्टरिंग वाले सिस्टम पर भी सभी ने सहमति दी, क्योंकि यह ना सिर्फ लद्दाख कश्मीर और बॉर्डर एरिया के पंजाब इलाकों में काम आया, बल्कि नेपाल जैसे देशों में भी स्टूडेंट पेपर दे सकेंगे। इसके बाद DUI ने की अध्यक्षता में मीटिंग के दौरान ऑनलाइन पेपर पर सहमति मन गई। अभी तक VC की ओर से इस बारे में अप्रूवल नहीं आई, चूँकि बार काउंसिल के एक निर्देश पर पेपर समय पर कराना जरूरी है और स्टूडेंट्स को समय पर पेमेंट करना जरूरी है, लेकिन VC की मंजूरी के आधार पर फिलहाल पेपर ऑनलाइन करने के निर्देश के साथ डेट शीट जारी कर दिए, लेकिन बाकी निर्देश VC की अप्रूवल के बाद ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी जो छात्र हैं उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की, नकल रोकने का भी कोई इंतजाम नहीं है। स्टूडेंट अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, नेट की समस्या आती है तो बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उसी को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन ना ही कोई नकल रोकने का इंतजाम किया है। यह आपके साथ छोटी सी खबर शेयर करनी थी। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।